Infinix Smart 4 Plus। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा था कि भाई इसको अपडेट कैसे करना है। बेसिकली ये एक न्यू फोन है एंड आप मार्केट से कोई भी न्यू फोन परचेज करते हो तो उसमें आपको फर्स्ट टाइम अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे तीन तरह का अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि कौन सा हमें अपडेट करना है। तो आज के वीडियो में आप लोग को टोटल इस टॉपिक पे पूरा एक्सप्लेन करके आपको मिल जाएगा। एंड प्लस अपडेट करते वक्त कौन कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आपका फोन का डाटा क्लियर ना हो, मतलब कि टोटल आपका जितना पर्सनल इसमें डाटा होता है वो सब क्लियर ना हो, डिलीट ना हो। एंड प्लस आपका फोन का जो आईसी होता है वो करप्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोन को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं एंड फुल एक्सप्लेन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हैं एंड मेरे पास ये है Infinix का फोन जो है 4 स्मार्ट प्लस आपको देखने को मिल जाएगा, Infinix स्मार्ट 4 प्लस। एंड इसका अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा था कि भाई इसमें अपडेट करने का तीन चार ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि इसमें आपको एक क्यू का अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, लोकल अपडेट का, ऑनलाइन अपडेट का। तो इसमें कौन सा अपडेट करना है एंड बेसिकली अपडेट करने के क्या रूल्स है तो वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। आपका अपडेट होता है तो कम से कम आपका 60% बैटरी अप होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपडेट करते वक्त आपका हो सकता है 1 घंटे का टाइमिंग लग जाए या 2 घंटे का टाइमिंग लग जाए। एंड इसमें अपडेट करते वक्त आपको एक एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि कोई भी आपका डाटा क्लियर ना हो, आपका पूरा फैक्ट्री डाटा उसमें क्लीन ना हो जाए। बहुत सारे लोग जो है अपडेट करते हैं तो उनका जो इसका फोन में जितना भी स्टोरेज होता है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, मतलब कि आपका जो मेन पर्सनल डाटा रहता है वो टोटल डाटा आपका क्लीन हो जाता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को टोटल बताऊंगा कि कैसे आप अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट करने के लिए आपको अपने फोन को Infinix स्मार्ट 4 प्लस को अपडेट करना है तो उसके लिए पहले आपको सेटिंग पे आना पड़ेगा। सेटिंग पे आ गया, यहां पे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है आपको। यहां पे ये देख लीजिए सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे लैंग्वेज टाइम बैकअप एंड अपडेट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहां पे बहुत सारा ऑप्शन आपको यहां पे ओपन हो जाता है, लेकिन हमें यहां पे करना है सिस्टम अपडेट। यहां पे देख लीजिए सिस्टम अपडेट, इस पे आपको क्लिक। जैसे ही आप यहां पे आती हो तो यहां पे देख लीजिए आपका कुछ इस तरह का यहां पे ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। यहां पे आपका तीन ऑप्शन है, क्यू का अपडेट, यहां पे ऑनलाइन अपडेट एंड लोकल अपडेट। इन तीनों में फर्क क्या होता है तो क्यू का अपडेट आप तुरंत यहां पे कर सकते हो या लोकल अपडेट। लोकल अपडेट आपका फोल्डर अपडेट उसमें जाएगा। देख लीजिए मैं यहां पे लाइव क्लिक करूंगा तो यहां पे देख लीजिए आपका इंटरनल स्टोरेज में जा रहा है, बट हमें इसमें से कुछ भी अपडेट नहीं करना, हमें ऑनलाइन अपडेट करना है। तो सिंपल सा ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक करना है एंड यहां पे ये देख लीजिए यूजिंग डाटा नाउ पे यहां पे बोल रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बेसिकली यहां पे बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नेटवर्क से यहां पे अपडेट चालू हो जाएगा। एंड आप लोग को एक और बात बता दूं, अगर आप वाईफाई से अपडेट करना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको यहां पे वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा सेटिंग पे जाके। तो चलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पे देख लीजिए आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा एंड प्लस यूजिंग कॉलर का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि आपका डाटा यूज यहां से हो जाएगा, आपका सिम का डाटा यूज होगा। एक बात और बता दूं कि यहां पे अपडेट करने के लिए देख लीजिए क्या रूल्स है। व्हेन योर पावर देन लेस देन यहां पे 50% होना चाहिए आपका। अगर यहां पे अपडेट वर्जन होता है कोई भी फोन आप उसे अपडेट करते हो तो कम से कम आपका यहां पे बैटरी 50% होना चाहिए। एंड इसमें प्लस आपका जो फोन है उसमें पावर सेविंग मोड ऑन नहीं होना चाहिए। पावर सेविंग मोड बेसिकली यहां पे है क्या तो वो आपको समझा देता हूं। यहां पे देख लीजिए ये बैटरी सेवर का आपको ऑप्शन मिलेगा, बैटरी सेवर ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं अदरवाइज आपका यहां पे कुछ इस तरह का यहां पे लोगो यहां पे साइन करेगा। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये भी लाइव दिखाता हूं। चलिए मैंने यहां पे पावर सेविंग मोड ऑन कर दिया। ऑन कर देने के बाद यहां पे एक बैक करूंगा, बैक करने के बाद क्यू का अपडेट पे आऊंगा एंड दोबारा यहां पे कंटिन्यू करूंगा। तो यहां पे देख लीजिए मेरा अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहां पे बोल रहा है बैटरी टू लो एंड इन यूज योर बैटरी सेविंग मोड यहां पे बता रहा है। तो सिंपल सा अपने यहां पे पावर सेविंग मोड हटा देना है। आपका अगर पावर सेविंग मोड रहता है तो आप इसे बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर पाओगे। एंड इसमें अपडेट का क्या ऑप्शंस मिलता है आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो सिक्योरिटी यहाँ पे अपडेट गूगल सिक्योरिटी पैच का यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा, जो 5 सितंबर का ही यहाँ पे अपडेट रिलीज हुआ था। एंड प्लस यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, वर्जन अपडेट हो जाएगा। नीचे बात करें यहाँ पे देख लीजिए ऑप्टेड, यहाँ पे ऑप्टोमाइज सिस्टम का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा जो परफॉर्मेंस की तरफ से। बाकी अगर मोर इसका और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो चलिए मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक किया तो यहां पे देख लीजिए पावर सेविंग मोड हट चुका है, यूजिंग कॉलर डाटा 164 MB का यहां पे आपका है। उसके बाद यहां पे रिज्यूम पे क्लिक करना है आपको अपडेट करने के लिए। जैसे आप रिज्यूम पे क्लिक करोगे कंटिन्यू, यहां पे आपको बोला जा रहा है कंटिन्यू आपका वाईफाई नहीं अदरवाइज आपका नेटवर्क। तो चलिए मैं यहां पे दो बार क्लिक कर दिया था तो दो बार यहां पे क्लिक करके मैंने गलती किया। उसके बाद रिज्यूम पे क्लिक करना है एंड यहां पे देख लीजिए यूजिंग कॉलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यूजिंग कॉलर पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका मोबाइल डाटा यूज होना चालू हो जाएगा। एंड यहां पे देख लीजिए आगे यहां पे
अभी थोड़ा सा यहाँ पे चेकिंग चला है। चेकिंग हो जाने के बाद यहाँ पे आपका नंबरिंग चालू होगा। अभी मेरा 0% है, थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एंड उसके बाद बाकी बात करें, यहाँ पे आपका कॉलर डाटा यूज हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोडिंग अपडेट्स ओवर द कॉलर नेटवर्क, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका अपडेट चालू हो गया। यहाँ से चाहो तो आप पोस्ट कर सकते हो, आपका यहाँ पे अपडेटिंग बंद हो जाएगा। अभी देख लीजिए मेरा यहाँ पे 2% अपडेट हो चुका है। आप लोग सामने यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, डाउनलोडिंग सिस्टम अपडेट 3% अपडेट हो चुका है, 164 MB का। तो चलिए मैं टोटल अपडेट करके उसके बाद आगे के जो ऑप्शन आता है वो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। जैसे ही आपका यहाँ पे सिस्टम पूरा अपडेट हो जाता है, मतलब कि जितना आपका MB का अपडेट था वो अपडेट पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, देख लीजिए मेरा साइज इतना था। एंड जैसे ही अपडेट हो गया तो यहाँ पे देख लीजिए रीस्टार्ट आफ्टर 2 AM का बोल रहा है या अभी नाउ पे क्लिक करना है। मतलब कि आपका 2 बजे के बाद अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हो तो 2 बजे के बाद कर सकते हो, नहीं तो अभी करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। एक्चुअली इसका क्या है, मतलब रीस्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जितना भी ये इंस्टॉलिंग हुआ था सिस्टम जो अपडेट है वो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरे जो एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट है, प्रिपेयरिंग योर अपडेट, प्रोसेसिंग अपडेट पैकेज, एंड यहाँ पे मेरा रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट हो जाने के बाद हमारा फोन जो है ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज में चला जाएगा। एंड उसके बाद कोई भी आपको यहाँ पे ये बटन दिख जाएगा, कोई भी बटन को ऑन ऑफ नहीं करना, आपको कुछ भी यहाँ पे टच नहीं करना है, बटन आपको कुल मिलाकर छूना तक नहीं है। ऑटोमेटिक आपका ये जो फोन है रीस्टार्ट में चला जाएगा। देख लीजिए सिस्टम इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड प्लस उसके बाद आगे का ऑप्शन बाकी यहाँ पे आगे का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए टोटल यहाँ पे 100% तक कंप्लीट होगा। 100% कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो फोन है वो ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे फोन जो है टोटल यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो जाता है, इंस्टॉलिंग हो जाता है 100% तक, उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे ऑप्शन है इन्फिनिक्स एंड नीचे पावर बाय एंड्रॉइड, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपका यहाँ पे 1 सेकंड का या 10 सेकंड का या पूरा 50 सेकंड का या ये भी हो सकता है आपका 5 मिनट का टाइमिंग लग जाए। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए आपको एक यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है एंड मेरा जो फोन है वो इंस्टॉलिंग वर्क में अभी चल रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे चलेगा। आपको कोई भी बटन छेड़छाड़ नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो होता है फोन का IC होता है वो करप्ट होने का चांस रहता है। सिंपल सा, जैसे आपका ये पूरा अपडेट हो जाता है उसके बाद आपका स्क्रीन जो है वो अनलॉक हो जाएगा एंड उसके बाद आप इसे ईजी तरीके से यूज कर पाओगे। तो बेसिकली चलिए मैं आपको यहाँ पे टोटल कंप्लीट कर लेता हूँ। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसी वजह से मैं यहाँ पे टोटल कंप्लीट करके उसके बाद आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे आगे का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो फोन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल जो इंस्टॉलिंग कर रहा था एंड ऑप्टिमाइज कर रहा था वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया एंड मैंने अपना यहाँ पे अनलॉक करने को मिलता है। तो दोबारा आप सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक कीजिए, सिस्टम अपडेट पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपका वर्जन यहाँ पे आपको शो करेगा आपका कितना वर्जन है, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, ये आपका वर्जन का जो नंबर होता है वो आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट एंड इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सिस्टम अपडेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फोन हैज बीन अपग्रेड सक्सेसफुल हो चुका है एंड ओके पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टाइमिंग बताएगा, आपने किस टाइम पर अपडेट किया, आपका वर्जन यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन 10 है जो यहाँ पे अप टू 5 सितंबर को अपडेट किया गया था। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको यहाँ पे अपडेट करना है एंड लेटेस्ट अपडेट चेक करने के लिए यहाँ पे चेक एंड अपडेट पे क्लिक कर सकते हो। आपका अगर न्यू अपडेट आता है तो यहाँ पे आपका शो कर देगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक का लाइक कर दीजिए एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। एंड चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।